हूं शुभे और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर्मेशन। बिहार में विधानसभा चुनाव तो संपन्न हो गए हैं, लेकिन अभी तक लगातार सभी राजनीतिक दलों की तरफ से अपनी अपनी समीक्षा की जा रही है और इस कड़ी में आगे की रणनीति तैयार की जा रही है। सबसे पहले इस कड़ी में अगर किसी का नाम आता है तो वो जेडीयू का है, लेकिन अब लोजपा चीफ चिराग पासवान भी एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, सक्रिय हैं और अलग अलग तरीके से अपने पार्टी को लेकर पूरी तैयारी उनकी तरफ से की जा रही है। खबर तो ये है कि आज वो बैठक करेंगे, चिराग पासवान की अध्यक्षता में लोजपा में ये बैठक कराई जाएगी और इस दौरान ये तय किया जाएगा कि किस तरीके से अलग अलग जिलों में जाकर लोगों से बातचीत करनी है, जनता से रूबरू होना है, उनकी परेशानियों को समझना है और आगे की रणनीति को तैयार करना है। इसके अलावा क्या कुछ खबर है आपको विस्तार में बताते हैं। लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता श्रवण कुमार अग्रवाल ने बताया कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय बैठक होगी और प्रदेशव्यापी राजनीतिक कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की जाएगी। उन्होंने बताया कि सभी जिलों में चिराग पासवान राजनीतिक दौरा करेंगे, बैठक में सर्वसम्मति से कार्यक्रम तय किए जाएंगे। प्रदेश कार्यकारिणी के अलावा सभी प्रकोष्ठों एवं जिला इकाइयों के गठन पर भी बैठक में चर्चा होगी। तो आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में अगर लोजपा का गणित देखा जाए तो सबसे पहले उन्होंने इस बात का फैसला किया कि वो एनडीए से अलग चुनावी मैदान में उतरेंगे। उतरे भी, लेकिन कहीं ना कहीं करारी हार का सामना उनको करना पड़ा। सिर्फ एक सीट पर ही लोजपा सिमट कर रह गई और ऐसे में इस बात की भी चर्चा खूब हो रही थी बिहार के सियासी गलियारों में कि लोजपा सिर्फ और सिर्फ एक वोट कटवा के तौर पर ही बिहार विधानसभा चुनाव में सामने आए। लेकिन अब चिराग पासवान हर तरह की वो कोशिश उनकी तरफ से की जा रही है कि पार्टी का विस्तारीकरण किया जाए। आपको बता दें कि हाल ही में लोजपा के करीब 5 दर्जन से भी ज़्यादा नेता जेडीयू का दामन उन्होंने थाम लिया है। ऐसे में लोजपा चीफ चिराग पासवान के लिए एक बड़ा झटका था, लेकिन इन सब के बीच अब चिराग पासवान पूरी तरीके से एक्टिव है। राज्य स्तरीय ये बैठक की जाएगी, सभी जिलों के आगे के कार्यक्रम तय किए जाएंगे, किस तरह लोगों के बीच जाना है, पार्टी की रीति नीति लोगों को समझानी है और उसके बाद पार्टी का विस्तारीकरण राज्य स्तर से लेकर केंद्र स्तर तक करना है। फिलहाल के लिए इतना ही, ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर्मेशन। नमस्कार।